ठंड का मौसम आ चुका है और हर घरों में तो लड्डू या कुछ तो बनते हैं। तो चलो आज हम बनाएंगे एकदम पारंपरिक तरीके से दादी माँ ने सिखाया हुआ अड़दिया पाक। खास करके ठंडी में बनाया जाता है और इसे साल में एक बार तो खाना ही चाहिए। इसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि हमारा घुटनों का दर्द, चक्कर आना, थकान आना, छोटी मोटी बीमारी होती है दोस्तों, एक बार ये आप वड़ी खाओगे ना तो आपको फुल यानी फुल एनर्जी आएगी। यहाँ पर मैंने आपको तोड़ के बताया कितना दानेदार है। जो भी इसे पहली बार बनाएगा ना दोस्तों तो गारंटी मैं आपको देती हूँ एकदम परफेक्ट बनाए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ठंड स्पेशल अड़दिया पाक, गुजराती स्पेशल रेसिपी दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लेना है 250 ग्राम उड़द की दाल। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल ली थी, इसे मैंने कपड़े से पोंछ ली क्योंकि छोटी मोटी डस्ट होती है ना, इसलिए परफेक्ट प्रमाण तक बताया गया दोस्तों आखिरी तक आप बने। तो 250 ग्राम लिया है वजन में देखा जाए और कटोरी से नाप से देखे तो 2 कप यहाँ पे हमने उड़द की दाल ली है। जितना हमने उड़द की दाल ली थी 250 ग्राम, उसी मेजरमेंट से हमने 250 ग्राम लेना है घी। यहाँ पे आप देख सकते घी को हल्का सा मैंने गर्म कर लिया है, एकदम हार्ड वाला घी ना ले क्योंकि ठंडी में घी जम जाता ना, इसलिए तो हल्का सा गर्म करके लो, इसका परफेक्ट प्रमाण के साथ ही ले। मैं पे हम गोड़ वाला अड़दिया पाक बनाएंगे दोस्तों, शक्कर वाला नहीं बनाने वाले। तो गोड़ जितना लेना है 250 ग्राम, जितना हमने उड़द की दाल ली उतना ही घी लिया, उतना ही मेजरमेंट से हमने गुड़ लेना है। गुड़ यहाँ पे बिना चिक्की वाला ली, इस बात का ध्यान देना है। तो 25 ग्राम यहाँ पे हमने गोंद लेना है, ये फ्राई वाला गोंद लेना है दोस्तों। और यहाँ पे हमने एक नारियल लिया था एक कटोरी वाला, इसे हमने हल्का सा ग्रेट कर लिया, आप देख सकते हो क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता ना इसलिए। तो यहाँ पे हमने लेना है 25 ग्राम और काजू और 25 ग्राम बादाम। काजू और बादाम आपके हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, पर परफेक्ट प्रमाण के साथ देखा जाए तो 25-25 ग्राम लेना है। और यहाँ पे एक नारियल लेना है सूखा वाला, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। अभी जिससे हम जो मार्केट में से लाते अड़दिया पाक कितना बढ़िया लगता है खाने में, तो यहाँ पर वो डालते हैं खोया यानी कि मावा, दूध वाला जो मावा होता है ना वही लेना है। इसे मैंने एक दिन पहले घर पर बनाकर रखा दोस्तों, यदि आपको नहीं बनाना तो आप रेडीमेड भी मावा डाल सकते हो। वजन में देखा जाए तो ये 100 ग्राम जितना हमने मावा लिया है। और यहाँ पे ये लेना है एक छोटा सा टुकड़ा गंठोड़ा, ये किसी भी दुकान में मिल जाता है, करियाना या हकीम चिची की दुकान पे। और यहाँ पे हमने लेना है आधा चम्मच जितना सौंठ। यहाँ पे हमने मिक्सर का बर्तन लेना है, उड़द की दाल लेनी, इसे हमने पहले ही कपड़े से पोंछ ली थी क्योंकि वो छोटी मोटी डस्ट होती ना इसलिए। अब इसका जो आटा रेडीमेड में मिल जाता है दोस्तों, पर यहाँ पे मैं आटा घर पे ही बनाने वाली हूँ, कैसे बनाया जाता है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे 2 बैच में इसे हमें अच्छी तरह से पाउडर के जैसे पीस लेना है। यहाँ पे एक छन्नी ले लेते हैं और यहाँ पे एक डिश लेना है, जो उड़द की दाल हमने छान के रखी थी यानी पीस के रखी थी वो इसके अंदर हमें डाल देनी है और इसके छान लेना है क्योंकि छोटा मोटा कंकर हो जाता है यानी कि उड़द की दाल बच जाती है ना इसलिए। तो अच्छी तरह से इसे छान लेते हैं, बाकी की जो उड़द की दाल बचेगी तो उसे वापस हमें मिक्सी जार में पीस लेना है। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से आटे को छान लिया, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा घर पे अच्छी तरह से पीस कर हो जाता है, एकदम हल्का सा ये दानेदार यानी कि जो हमारी बारीक वाली सूजी होती है वैसे ये बनकर तैयार हो जाता है, झटकी पट बनकर तैयार हो जाए। अभी इसे मैं थोड़ा मैं साइड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने वही मिक्सर का बर्तन ले लिया, अभी जो हमने गोंद लिया था अभी उसे भी हमें अच्छी तरह से पाउडर के जैसे पीस लेना है। ये करने का कारण मैं बता देती हूँ, जब हम लोग पीसते हैं ना तो फिर खाने में बहुत ही अच्छी तरह से इसका ट्विस्ट आता है। यदि आप इसे फ्राई करके पीसोगे तो जैसे जैसे इसका स्वाद नहीं आएगा, जैसे मार्केट में से लाते हैं कैसे बनाया जाता है वही रिजल्ट मैं आपको देने वाली हूँ। अभी इसे अच्छी तरह से पाउडर के जैसे पीस लेते हैं। फिर हमारा जो गोंद भी हमने अच्छी तरह से पीस लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी इसे एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। उसी मिक्सर के जार में हमने काजू भी ले लेना है और यहाँ पे बादाम भी लेना है। यदि आपको इसमें और ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हो जैसे कि पिस्ता, अखरोट, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, पर यहाँ पे मैं इतनी सामग्री से बनाने वाली दोस्तों। अभी जो यहाँ पे लिया है गंठोड़ा पाउडर, ये मेन सीक्रेट होता है, इससे क्या होता है हमारे जो भी घुटनों का दर्द, कमर दर्द, वो इससे में छुमंतर हो जाता है, ये कौन से भी दुकान में मिल जाएगा। अब इसे भी अच्छी तरह से हमें पीस लेना है। यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट को भी अच्छी तरह से पीस लिया, आप देख सकते हो इस तरीके से। अभी इसे एक बॉल में निकाल लेते हो, करते आगे की प्रोसेस। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई लेनी, गैस ऑन कर लिया। अब यहाँ पे 1 चम्मच हमने घी ले लेना है, घी कभी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, पहले ही ज़्यादा ना डाले इस बात का आपने ध्यान देना है। अब इसके साथ ही हमें डाल देना है खोया यानी कि मावा, इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे और खोए को अच्छी तरह से हमें कुक कर लेना है, जब तक कुक करेंगे जब तक कि खोया अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो खोया हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है और घी अच्छी तरह से रिलीज भी हो गया है और हल्की हल्की बबल्स भी आ गई है। मैं आपको पास से लेके बता देती हूँ इजीली, देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से। यहाँ पे मुझे 2 या 3 मिनट ही लगे दोस्तों खोया कुक करने के समय, ज़्यादा कुक ना करें, हल्का सा ही कुक करना है यानी कि जो खोया में जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है, तभी हमारा जो अड़दिया पाक ना अच्छी तरह से रहता है। आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो। अभी इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अभी उसी कढ़े के अंदर हमें और घी डालें। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं अभी 3 चम्मच घी डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके घी डालें दोस्तों, ज़्यादा घी ना डालें इस बात का आपने ध्यान देना है।
घी तो हमें पूरा ही लगने वाला क्योंकि इसका परफेक्ट प्रमाण ही हमने आपको बताया है, पर करते समय थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब यहाँ पे हमने जो उड़द का दाल का आटा हमने लिया है छान के, वो इसके अंदर हमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से चलाते जाएगी, जब तक चलाएगी जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। मैं आगे आगे आपको बताती जाऊँगी दोस्तों कैसे बनाया जाता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो इसे हमने अच्छी तरह से धीमे आँच पे चला लिया है। अभी आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, पर जैसे जैसे मैं कुक करती जाऊँगी घी रिलीज होते जाएगा। पर अभी तो बहुत ही हमने कम घी डाला था, तो और इसमें घी डालेंगे हम, तो और इसमें 2 चम्मच में घी डाल देती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा घी डालने से क्या होता है दोस्तों मालूम है कि हमारा समय भी बच जाता है और आटा भी अच्छी तरह से हमारा कुक हो जाता है। यदि आप पहले ही ज़्यादा घी डालोगे ना तो समय हमारा ज़्यादा हो जाएगा और जैसे जैसे वैसे इसका रिजल्ट आएगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाना है और आटे को हमें अच्छी तरह से कुक करते जाएंगे। अभी तो इसका जो कलर देख रहे हो थोड़ा सफ़ेद लग रहा है, जैसे जैसे कुक होते जाएगा वैसे वैसे इसका गोल्डन कलर आते जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मुझे 6 या 7 मिनट हो चुका है, अभी आटा हल्का हल्का फूल रहा है, अभी भी ये कच्चा है, बबल्स आ रही ना आप देख सकते हो, ये इसकी निशानी होती है, पर अभी बहुत बाकी है दोस्तों और इसे अच्छी तरह से हमें कुक करते जाना है। जैसे ही आटा हमारा फूल जाता है ना तब हमें यहाँ पे क्या डालना है, 2 बड़े चम्मच घेहूँ का आटा डालना है, घेहूँ का आटा डालना है दोस्तों 2 बड़े चम्मच। ऐसा आटा होने के बाद ही हमें घेहूँ का आटा डालना है, पहले आटा ना डाले इस बात का आपने ध्यान देना है, क्योंकि हम जब पहले आटा डाल देते हैं तो फिर क्या होता है उड़द का आटा कुक होने में समय लगता है, वो जो घेहूँ का आटा हमने डाला है उसको थोड़ा वो जल्द से जल्द कुक हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने घेहूँ का आटा डाल दिया, पहले एकदम हमारा घी रिलीज हो गया था, जैसे आप घेहूँ का आटा डालने से आप देख सकते हो कितना हार्ड बन चुका है। अभी और हमें घी ले लेना है और घी डाल देते हैं। अभी यहाँ पे मैं पूरा वही घी डाल देती हूँ, ये इसका परफेक्ट प्रमाण ही है। ये अड़दिया पाक ना दोस्तों घी के अंदर ही लपछप में बनता है, तभी मज़ा आता है अड़दिया पाक खाने में। अभी इसे धीमे आँच पे जब तक चलाते जाएंगे तब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। अब यहाँ पे मुझे टोटल 15 मिनट लगे दोस्तों ये आटा कुक होने में। आप देखो इसका कलर हल्का चेंज हो चुका है, गोल्डन आ चुका है, एकदम जैसे चाहे वैसे इसका कलर आ गया है। इस तरीके से ये कलर होना चाहिए परफेक्ट। अभी आप लोग ये झाक क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने गेहूँ का आटा डाला है ना, गेहूँ के आटे की वजह से इसकी हल्की झाक आ ही जाती है। 15 मिनट लगे, अभी आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओगे तो थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मैं 1/2 किलो की उड़द की दाल में बना रही हूँ ना, इसलिए अच्छी तरह से हो गया ये। अभी यहाँ पे हमने लेना है गोंद, इसे मैंने पाउडर के जैसे पीस लिया था, इसके ऊपर ही डालना है, इसके हमें मतलब अलग से फ्राई नहीं करना है। अभी ये घी है ना, घी के अंदर ये अच्छी तरह से फ्राई हो ही जाता है, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके डालें। आवाज़ देख सुन रहे हो आप, एकदम अच्छी तरह से इसकी फ्राई हो रही है, कच्चापन नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, अच्छी तरह से चलाते जाएंगे कि घी के अंदर ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। ये इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है दोस्तों, पाउडर करके डालना है फिर घी होता है, घी के अंदर ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है, हमारा समय भी बच जाता है। यहाँ पे हमारा गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हो किनारे के हल्के हल्के एकदम बबल्स भी आ गई है, बबल से इसे समझ में आता है कि गोंद परफेक्ट फ्राई हो गया। इसकी आवाज़ भी आ रही है बीच बीच में, तुड़ 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 है ना, मैं आपको लेके बता रही हूँ अच्छी तरह से, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें अलग से गोंद को फ्राई नहीं करना है। जब हम आटा फ्राई कुक कर लेते हैं उसका घी रिलीज हो जाता है, उसके अंदर हमें गोंद का पाउडर डाल देना है, जैसे हमने मिक्सर के जार में पीस लिया था वही इसमें डाल के हमारा समय भी बच जाता है और बर्तन भी खराब होते नहीं हैं। अच्छी तरह से इसका कलर आप देखो, जैसे मुझे चाहिए वैसे इसका कलर आ चुका है, एकदम बढ़िया सा। अब यहाँ पे दानेदार लड्डू, दानेदार अड़दिया पाक बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लेना है, इसके चमचे को कर लेते थोड़ा साइड, ये होता है सीक्रेट तरीका। तो दानेदार बनाने के लिए यहाँ पे हमने लेना है दूध, तो 2 चम्मच दूध ले लेते हैं छोटा वाला। दूध डालने से हमारा जो अड़दिया पाक दानेदार बन जाता है, ज़्यादा ये नहीं होता है, खाने में भी एकदम सॉफ्ट लगता है। 2 ही चम्मच डाला तो आप देख सकते हो इसकी झाग कितनी बढ़िया आ गई है, इससे हमारा अड़दिया पाक हल्का फुल्का भी बन जाता है, खाने में एकदम सॉफ्ट भी लगता है। अभी आप देख सकते हो अच्छी तरह से हमने दूध डाल दिया था 2 ही चम्मच छोटा वाला, तो आप देख सकते हो कितना दानेदार हो गया है एकदम, और बबल्स भी हमारी कम हो चुकी है, एकदम बढ़िया से। मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ, एकदम परफेक्ट जैसे मुझे कलर चाहिए वैसे इसका आ चुका है। अभी इसे अच्छी तरह से हमने चला लिया है, अभी गैस की फ्लेम धीमी करें फास्ट ना करें इस बात का आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से हमने चला लिया है, अब यहाँ पे हमें गैस बंद कर देना है और जो ड्राई फ्रूट हमने पीस के रखा था वो पूरा इसके अंदर हमें डाल देना है और गैस बंद कर लेना है दोस्तों। बचा हुआ भी ड्राई फ्रूट हम इसमें डाल देते हैं, मिक्सर जार में जो बचा था ना वो भी डाल देना है और इसके साथ ही हमें डालना है नारियल जो हमने पीस के रखा था और इसके साथ डाल गई इलायची पाउडर। गैस बंद करके ही सारी काम करना है और यहाँ पे सॉन्ट पाउडर भी हम डाल देते हैं
और इसे चला लेना है 1 मिनट के लिए। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अभी जो हमने खोया बना के रखा था कुक, वो भी इसके अंदर हमें इसे डाल देना है। आप देख सकते हो जैसे मैंने कुक किया तो हार्ड बन गया है। अब इसके साथ ही हमें डालना है गुड़, गुड़ को भी साथ में हमें डालना है दोस्तों। ठंडा ना करें, गरम गरम ही डालना है। सिर्फ इतना ध्यान देना कि गैस के ऊपर से हमें निकाल के डालना है। अभी मैंने गैस के ऊपर से बर्तन निकाल लिया है और इसमें इसे डाल देंगे। इस तरीके से करने से क्या होता है, गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ को ऐसे ही डालते जाने आए और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते। गुड़ की हमें यहाँ पे गुठली नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। यदि आप गुड़ में नहीं खाना पसंद करते हो अड़ा पाक, तो इसके वजह आप शक्कर भी डाल सकते हो। बस शक्कर को हमें क्या करना है, चाशनी करनी पड़ती है, पर गुड़ का यहाँ पे हमने चाशनी वगैरह नहीं करना पड़ता है। जो भी इसे पहली बार बनाएगा ना अड़ा पाक, वो एकदम परफेक्ट बनाएगा, गारंटी के साथ मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी सासू माँ ने मुझे सिखाया था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ क्यों ना ये रेसिपी फॉलो की जाए। यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरह से हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। अभी पहले कितना सारा घी दिख रहा था, अभी घी पूरा गायब हो चुका है ना। मैं आपको लेके बता देती हूँ, है ना। अभी यहाँ पे मैं ट्रे ले लेती हूँ, ट्रे के अंदर हम कैसे इसे सेट किया जाता है वो बता देते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रे लिया और बटर पेपर लिया। बटर पेपर इसलिए लिया क्योंकि जब हम कट करेंगे तो इजीली निकल जाए, तो इसलिए यहाँ पे बटर पेपर लेना। ना हो तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते हो, पर बटर पेपर लेने से इजीली हमारी कट हो जाता है, यानी कि वड़ी। अब इसे अच्छी तरह से पूरी ये डाल देते हैं अड़दिया पाक, वो इसका अच्छी तरह से थपथपा लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका मैंने लेवल कर लिया है एकदम बढ़िया सा। चमचे को कर लेती थोड़ा साइड और भी इसे थोड़ा गार्निश कर लेती हूँ। थोड़े यहाँ पे हमने पिस्ता ले लेना है, इसे हल्के से ऐसे कर लेना है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, दिखने में अच्छा लगता है ना, जैसे हम बाहर में से खाते दुकान में से तो कैसे सजा के देते तो मन कैसे ललचाता है, हाँ क्या मस्त है। तो वही रिजल्ट मैं आपको देने वाली हूँ। अब इसके साथ ही हम डालेंगे बादाम। बादाम को भी इस तरीके से हमें डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। अब इसे हमें क्या करना है, 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते सेट होने के लिए। अब यहाँ पे 2 घंटा हो चुका है, हमारी जो अड़दिया पाक परफेक्ट सेट हो चुका है। आप देख सकते हो, मैं आपको लेके बता देती हूँ इस तरीके से। अब इसे हमें डीमोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने डीमोल्ड कर लिया, आप देख सकते हो इजीली निकल जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हमने बटर पेपर लगाया है। देख सकते हो बटर पेपर लगाने से एकदम परफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बड़ा वाला चक्कू या छोटा वाला चक्कू भी ले सकते हो। अभी इसे हमने छोटे छोटे साइज में कट करना है। अभी आपको छोटी साइज चाहिए कि बड़ी साइज चाहिए, आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं ना छोटी करूँगी ज़्यादा ना बड़ी करूँगी, इजीली टूट जाता है ये, इजीली एकदम परफेक्ट तरीके से देख सकते हो। तो इस तरीके से हम कट कर लेते हैं अड़दिया पाक को। पे मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया, आप देख सकते हो थोड़ा भी ये टुकड़ा वगैरह कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं बटर पेपर लगाने से। अभी यहाँ पे एक में पाक लेके आपको बता देती हूँ, इजीली निकल रहा है। आप देख एकदम बढ़िया सा हाथों में आपको लेके बता देती हूँ कितना बढ़िया सा हमारा अड़दिया पाक तैयार हो गया है। खास करके ठंडी में खाया जाता है। बनकर तैयार हो गया हमारे गुजराती स्पेशल पारंपरिक तरीके से अड़दिया पाक। खास करके इसे ठंडी में खाया जाता है दोस्तों, बहुत ही एनर्जी देती है। साल में तो इसे एक बार खाना है, यानी खाना ही है। एक बार खाओगे तो आपको समझ में आएगा इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। घुटनों का दर्द हो या कमर दर्द हो या सिर दर्द हो, ये खाने से एकदम छूमंतर हो जाता है। खास करके ठंडी में खाया जाता है। रिजल्ट देख सकते हो कितना बढ़िया है, मैं आपको लेके बता देती हूँ। एकदम दानेदार है ना। घर में ही बनाया हमने झटके पट मार्केट जैसा अड़दिया पाक। तोड़ के बता देती हूँ, इजीली टूट रहा है, मुंह में जाती मक्खन की जैसे ये घुल जाएगा।